दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक एयर फ्रायर लेने की सोच रहे हैं तो रुकिए, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आपको ओवन एयर फ्रायर लेना हो और आप नॉर्मल एयर फ्रायर ले आए। दोस्तों, अगर आप फास्ट फूड खाना बहुत पसंद करते हैं लेकिन आपको उसमें इतना ज़्यादा ऑयल देखने को मिल जाता है जो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन आप एयर फ्रायर की हेल्प से इन्हें घर पर ही बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 10-20% के ऑयल यूज़ करके। दोस्तों, एयर फ्रायर मार्केट में 2 टाइप्स के मिल जाते हैं, एक तो नॉर्मल जो घरों में यूज़ होते हैं, इस पर वीडियो बना हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखकर आप अपने लिए एक बेस्ट एयर फ्रायर परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ऊपर के आई बटन पर दिख जाएगा, आप इसे क्लिक करके वीडियो को देख पाएंगे और अपने लिए एक बेस्ट एयर फ्रायर परचेज कर पाएंगे। दूसरा ओवन एयर फ्रायर आता है जिनका यूज़ रेस्टोरेंट वगैरह में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन्हें घर पर यूज़ नहीं कर सकते, आप इन्हें घर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ओवन एयर फ्रायर में आप OTG और माइक्रोवेव वाले सारे काम कर पाएंगे। इस ओवन एयर फ्रायर की हेल्प से आप प्री हीटिंग कर सकते हैं, आप इसमें केक बना सकते हैं, आप इसमें ग्रिलिंग, रोटेसरी बेकिंग जैसे कई मल्टीपर्पज़ काम कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको ओवन एयर फ्रायर ही लेना चाहिए। आज इस वीडियो में टॉप 5 बेस्ट ओवन एयर फ्रायर 2024 की लिस्ट लेकर आया हूं और उनके प्रोज और कॉन्स भी बताने वाला हूं, साथ ही आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूं ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट ओवन एयर फ्रायर परचेज कर पाए। ओवन एयर फ्रायर लेने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ब्रांड। अगर आपको एक अच्छा एयर फ्रायर लेना है जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, तो आपको उस एयर फ्रायर का ब्रांड जरूर देखना चाहिए। सेकंड आता है वारंटी। किसी भी एयर फ्रायर को लेने से पहले आपको उसकी वारंटी पर जरूर ध्यान देना चाहिए, जितनी ज्यादा वारंटी होगी उतना ही बेस्ट होगा। नेक्स्ट आता है बिल्ड क्वालिटी। एक एयर फ्रायर लेने से पहले आपको उसके बिल्ड क्वालिटी पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मोस्टली एयर फ्रायर जो है वो ABS प्लास्टिक और स्टील की आती है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी फीचर्स। दोस्तों, एक एयर फ्रायर लेने से पहले आपको उसके सेफ्टी फीचर्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए, उसमें ये सारे फीचर्स अवेलेबल है या नहीं। आपको सबसे पहले उसके अंदर ओवरहीट प्रोटेक्शन और ऑटो कट ऑफ के फीचर्स को देख लेना चाहिए, वो मौजूद है या नहीं। फूड कंटेनर एक नॉन स्टिक कोटिंग कंटेनर का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है वॉटेज। इसके वॉटेज की बात करें तो 1200 से 2500 वॉट के बीच में एक एयर फ्रायर आता है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको 1500 से ऊपर के वॉट वाले एयर फ्रायर को ही परचेज करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा पावर का ओवन एयर फ्रायर होगा उतनी ही अच्छे से आप उसमें OTG और माइक्रोवेव वाले काम कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइप के एयर फ्रायर को आप परचेज इसीलिए करते हैं ताकि आप इसका इस्तेमाल मल्टीपर्पज में कर सकें। नेक्स्ट, 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन फंक्शन। अगर आप अपने लिए एक बेस्ट ओवन एयर फ्रायर लेना चाहते हैं तो आपको वही एयर फ्रायर लेना चाहिए जिसमें 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन का फीचर मौजूद हो। नेक्स्ट आता है एसेसरीज। किसी भी ओवन एयर फ्रायर को लेने से पहले आपको इसके साथ मिलने वाले एसेसरीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी ओवन एयर फ्रायर में आपको मल्टीपर्पज काम करने हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे मैं जो भी वीडियो शेयर करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, जितने भी एयर फ्रायर मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, इन सभी के लोएस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको इनमें से किसी भी एयर फ्रायर को परचेस करना हो तो हमारे दिए गए लिंक से ही परचेस करें। हमारे इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है स्टॉक का एयर फ्रायर, जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर की है और इसकी पावर जो है 1500 वाट की है। साथ ही इसमें आपको डिजिटल टच कंट्रोल देखने को मिल जाता है और एक LED स्क्रीन डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। इसमें आपको स्टेनलेस स्टील बॉडी देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके प्रोटेक्शन की तो इसमें आपको ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है और आपको ऑटो शट ऑफ का भी फीचर देखने को मिल जाता है। इसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें आपको 8 प्रीसेट मेन्यू देखने को मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप 8 अलग अलग मेन्यू को जस्ट एक क्लिक में कुक कर पाएंगे। इसमें आपको रोटेसरी फंक्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप चिकन, फिश, प्रॉन जैसे कई डिश बना सकते हैं। इसमें 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन फीचर देखने को मिल जाता है, विच इज़ गुड। बात करें एसेसरीज की तो आपको ये सभी एसेसरीज देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें इसके वारंटी की तो इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। और अभी इसका अमेजोन का प्राइस 8600 का चल रहा है, तो इसका मैंने लोएस्ट प्राइस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, इसे परचेज करने से पहले आप इसके प्रोज और कॉन्स को जरूर जान लें। बात करें इसके प्रोज की तो इसमें आपको 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको रोटेसरी फंक्शन देखने को मिल जाती है। बात करें इसके कॉन्स की तो इसमें आपको वारंटी कम देखने को मिलती है, इसमें आपको एसेसरीज भी कम देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इसका सबसे लोएस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए चेकआउट कीजिए। हमारे इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है गीक एयर कुक का हेलियक्स एयर फ्रायर। बात करें इसके कैपेसिटी की तो ये 12 लीटर के साथ आती है। बात करें इसके पावर कंजम्पशन की तो 1700 वाट के साथ आता है। इसमें आपको डिजिटल टच कंट्रोल देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको LED स्क्रीन डिजाइन देखने को मिल जाती है। बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की तो ये स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ मिल जाती है। वहीं बात करें इसके सेफ्टी प्रोटेक्शन की तो इसमें आपको ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन एंड ऑटो शट ऑफ देखने को मिल जाती है।
इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जिसे आप अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको 12 प्रीसेट मेन्यू देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ये सभी एसेसरीज देखने को मिल जाती है। इसमें आपको रोटेटरी फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन फीचर देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें इसके वारंटी की, तो इसमें भी आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है और इसका प्राइस अभी अमेजोन पर 8000 का मिल रहा है। इसका लोएस्ट प्राइस नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद। बात करें इसके प्रोस की, तो इसमें आपको 12 प्रीसेट मेन्यू देखने को मिल जाता है, 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको रोटेटरी फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें इसके कॉन्स की, तो इसमें आपको वारंटी कम देखने को मिलती है। इसमें ब्रांड को आफ्टर सेल सर्विस और बेटर होने की जरूरत है। दोस्तों, इसका सबसे लोएस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए चेकआउट कीजिए। हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है हेवल्स एयर फ्रायर एयर ओवन। बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो ये 12 लीटर के साथ आता है और इसका पावर 1500 वाट का है। ये एयर फ्रायर आपको डिजिटल टच कंट्रोल के साथ मिल जाता है। इसमें आपको LED स्क्रीन डिजाइन देखने को मिल जाती है। बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो ये आपको स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ मिल जाती है। वहीं बात करें इसके प्रोटेक्शन की, तो इसमें आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन एंड ऑटो शटऑफ का फीचर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल जाता है। वहीं आपको इसमें 9 प्रीसेट मेन्यू देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ये सभी एसेसरीज देखने को मिल जाती है। इसमें आपको रोटेटरी फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन देखने को मिल जाता है। बात करें इसके वारंटी की, तो इसमें 2 ईयर्स की वारंटी देखने को मिल जाती है। वहीं बात करें इसके प्राइस की, तो अमेजोन पर अभी ये 8800 का मिल रहा है। इसका सबसे लोएस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, इसे लेने से पहले आप इसके प्रोज और कॉन्स को जरूर जान लें। बात करें इसके प्रोज की, तो इसमें आपको 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको रोटेटरी फंक्शन देखने को मिल जाता है। बात करें कॉन्स की, तो इसमें आपको ब्रांड के आफ्टर सेल सर्विस और बेटर करने की जरूरत है। दोस्तों, इसका सबसे लोएस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए चेकआउट कीजिए। हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है इनाल्सा का ओवन एयर फ्रायर। बात करें इसके कैपेसिटी की, तो ये 12 लीटर के साथ मिल जाता है। वहीं इसके पावर की बात करें, तो ये 1500 वाट के साथ आता है। इसमें आपको डिजिटल टच कंट्रोल देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको LED स्क्रीन डिजाइन देखने को मिल जाती है। बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो ये स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ आता है। वहीं बात करें इसके प्रोटेक्शन की, तो इसमें आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन एंड ऑटो शटऑफ का फीचर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 10 प्रीसेट मेन्यू देखने को मिलता है, साथ ही आपको ये सभी एसेसरीज देखने को मिल जाता है। इसमें वारंटी की बात करें, तो आपको 2 ईयर्स की वारंटी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, अभी इसका प्राइस अमेजोन पर 9000 का मिल रहा है, लेकिन इसका लोएस्ट प्राइस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, इसे परचेज करने से पहले आप इसके प्रोज और कॉन्स को जरूर जान लें। बात करें इसके प्रोज की, तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको 10 प्रीसेट मेन्यू मिल जाता है, 12 लीटर कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। बात करें कॉन्स की, तो इसमें आपको कम एसेसरीज देखने को मिल जाती है, साथ ही इसमें आपको 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन का फीचर नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एयर फ्रायर अच्छा नहीं है, इसमें बहुत अच्छे फीचर्स भी मौजूद है। ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है अगारो का एयर फ्रायर। बात करें इसके कैपेसिटी की, तो ये 12 लीटर के साथ आता है। वहीं बात करें इसके पावर कंजम्पशन की, तो ये 1800 वाट के साथ मिल जाता है। इसमें आपको डिजिटल टच कंट्रोल और LED स्क्रीन डिजाइन देखने को मिल जाती है। इसमें आपको स्टेनलेस स्टील की बॉडी देखने को मिल जाती है। बात करें इसके प्रोटेक्शन की, तो इसमें आपको ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन एंड ऑटो शटऑफ का फीचर देखने को मिल जाता है। बात करें इसके टेम्परेचर कंट्रोल की, तो आप इसे अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको 12 प्रीसेट मेन्यू देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको ये सभी एसेसरीज देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन का फीचर देखने को मिल जाता है, विच इज गुड। वहीं बात करें इसके वारंटी की, तो ये आपको 2 ईयर्स की वारंटी देता है। और बात करें इसके प्राइस की, तो अभी अमेजोन पर 8900 की मिल रही है। दोस्तों, इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, इसका मैंने सबसे लोएस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए चेकआउट कीजिए। दोस्तों, इसे परचेज करने से पहले आप इसके प्रोज और कॉन्स को जरूर जान लें। बात करें इसके प्रोज की, तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको 12 प्रीसेट मेन्यू देखने को मिल जाता है, साथ ही 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन का फीचर मिल जाता है। इसमें काफी सारे एसेसरीज देखने को मिल जाते हैं। बात करें कॉन्स की, तो मुझे इसमें कुछ खास कॉन्स देखने को नहीं मिला है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, तो ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। इसमें आपको पावरफुल मोटर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप OTG और माइक्रोवेव वाले सारे फीचर्स इसमें यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँ इन 5ों में, तो आप इस वाले एयर फ्रायर को जरूर परचेज करना। दोस्तों, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी एयर फ्रायर को परचेज करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आता है तो परचेज भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने जानने वालों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके एक बेस्ट एयर फ्रायर परचेस करने में, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।